आपने फ्रूट्स वाले छोले कुलचे खाए हैं क्या? मैं तो पहली बार ट्राई कर रही हूँ। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे फ्रूट्स लगने हो गए हैं चालू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग आ चुके हैं गाजियाबाद फ्रूट वाले छोले कुलचे। बिल्कुल सही सुना, तड़के वाले नहीं, इस बार हम लोग खाने वाले हैं फ्रूट वाले छोले कुलचे, क्योंकि बहुत ही स्पेशल होने वाले हैं। उसके अंदर जाने वाले ढेर सारा फ्रूट। तो चलिए चलते हैं भैया के पास और उनसे बात करते हैं। आप देखिए कितनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है यहाँ पे इनके फ्रूट वाले छोले कुलचे ट्राई करने के लिए। चलो तो चलिए चलते हैं भैया के पास और ट्राई करते हैं इनके छोले कुलचे। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे फ्रूट्स लगने हो गए हैं चालू। इस कुलचे खाए हैं क्या? मैं तो पहली बार ट्राई कर रही हूँ, रिव्यू आपको जरूर इसका दूंगी कि कैसे लगे मुझे ये। ये देखिए एक और केला और आ गया इसके अंदर, मतलब फ्रूट्स तो एकदम भर के जाने वाले हैं गाइस। मुझे आइडिया नहीं है बिल्कुल भी कैसा टेस्ट इसका होने वाला है, क्योंकि फ्रूट वाले छोले कुलचे यार थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, बट कुछ मजेदार जरूर होने वाला है। ये देखिए और केले, मतलब केले केले इसके अंदर डलते जा रहे हैं अभी फिलहाल। और हाथ देखिए कितनी स्पीड से चल रहा है भैया का यहाँ पे। तो भैया इस बार इसमें जो पतीले में आप बनाएंगे वो कितने लोगों के लिए बनेंगे एक बार में? 70 प्लेटें। अभी आप ऑलरेडी एक जो है पतीला मेरे सामने लगा चुके हैं, अभी दूसरा पतीला लगा रहे हैं। तो भैया आप बता रहे हैं कि 70 प्लेटें एक पतीले से बनाते हैं, दिन में कितने पतीले आप ऐसे बना लेते हैं? 8-9 गाइस, 8-9 पतीले यहाँ पे जो है दिन के भैया बना लेते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितने टेस्टी होते होंगे इसके छोले कुलचे। ऑलरेडी देखिए कितनी भीड़ लगी है यहाँ पे, ऑलरेडी लोग खाने के लगे और ऑलरेडी ये पत्ते तैयार हो रखे हैं और साथ साथ ये जा रहे हैं कस्टमर्स को। तो अब इसके अंदर जो है एप्पल कट के डर रहा है और एकदम फ्रेश जो है यहाँ पे फ्रूट्स यूज कर रहे हैं। ये देखिए गाइस एकदम फ्रेश फ्रूट्स हैं यहाँ पे। ये देखिए तो गाइस ये देखिए कितना सारा फ्रूट ऑलरेडी इसके अंदर डल चुका है। ये देखिए तो गाइस अभी तक ये अभी कितने सेब डाल दिया आपने? दूसरा तो दो सेब ऑलरेडी डाल चुके हैं, दो और डालने हैं और 4 से 5 केले इसके अंदर भैया ऑलरेडी डाल चुके हैं। गाइस प्लेट कितने की रहती है भैया ये? 60 रुपए की प्लेट है इस छोले कुलचे की। फ्रूट की कोई कमी नहीं है इसके अंदर, इतना ज्यादा फ्रूट इसके अंदर जाया जा रहा है। हेल्दी एकदम आपको मिल रहा है यहाँ पे फ्रूट। यार हेल्थ का ध्यान रख के भैया इसको बना रहे हैं। ये देखिए इसके अंदर जा रहे हैं छोले। ये भैया मटर होते हैं ना जी? गाइस ये मटर बटर डाल रहे हैं भैया इसके अंदर। नमक भी बताते हैं, नमक मसाला। तो भैया इतना इतने सारे का मतलब अंदाजा कैसे लग जाता है कि बिल्कुल सही होगा नमक मिर्च सब कुछ? जब से पैदा हुआ है। अच्छा जब से पैदा हुआ है यही काम कर रहे हैं। तो भैया का एक्सपीरियंस देखिए, इतना सारा जो है क्वांटिटी एक साथ बना रहे, फिर भी जो मसाले होते हैं वो एकदम परफेक्ट होते हैं गाइस। ये क्या है? इमली का पानी गाइस, ये इमली का पानी था। ये देखिए गाइस ये भैया इसको मिला रहे हैं अच्छे से। क्या कह रहे हैं बता दो, आवाज नहीं आ रही गाइस। ये देखिए अब ये सर्व हो रहे हैं और हाथ देखिए भैया का कितनी तेजी से यहाँ पे चल रहा है। देखिए भीड़ यहाँ पे लग चुकी है ऑलरेडी ये छोले कुलचे खाने के लिए। यहाँ पे जो है कुलचे सिक रहे हैं बटर में, अमूल बटर यहाँ पे यूज किया जा रहा है कुलचे सेकने के लिए। ये देखिए गाइस अमूल बटर यहाँ पे। गाइस हमारे लिए यहाँ पे पता लग रहा है यहाँ पे ये चटनी डाली जाएगी। भैया कौन सी चटनी है? खट्टी चटनी। और ये मीठी चटनी। तो गाइस यहाँ पे पता लग, यहाँ पे हमारे कुलचे सिक रहे हैं बटर में, अमूल बटर में। ये देखिए एकदम करारे किए जाएंगे कुलचे, इधर से ये छोले डाल के उसके ऊपर खट्टी चटनी, मीठी चटनी फल वाली, और साथ में अब वेजीज लगा रहे हैं इसके ऊपर। ये देखिए यहाँ पे खीरा लगाया, ये प्याज डाल रहे हैं भैया, यहाँ पे ये टमाटर डाल रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारी प्लेट लग चुकी है और ऊपर से ढेर सारा सैलेड डाल दिया है भैया ने। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। ये देखिए कुलचा एकदम अमूल बटर में अच्छे से सेका हुआ है, इसको एकदम करारा कुलचा है। तो चलिए ट्राई करते हैं इसको।
गाइस ये देखिए अंदर जो है ना इनकी स्पेशल चटनी थी, जो कि एक फ्रूट वाली चटनी है और एक साथ में इनकी खट्टी चटनी है। तो ये देखिए चार प्लेट में गिर देते लगा अंदर एकदम लोडेड फ्रूट डाला हुआ है। मेरे सामने जो था ना वो कटा था इसके अंदर बनाना और एप्पल, और ये नहीं कि यार एक आध एप्पल या एक आध बनाना, चार से पांच एप्पल गए थे और चार से पांच बनाना गए थे इसके अंदर। लाइव आपको मेकिंग दिखाई है यहाँ पे मैंने, ये नहीं कि स्पेशल वीडियो बनाने के लिए इतना डाला गया। यहाँ पे इतने लोग जो खड़े हुए ना सबको वही सर्व हो रहा है जो मुझे यहाँ पे सर्व हुआ है। तो चलिए टेस्ट कर लेते हैं इसको। टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है, जो बस फर्क इतना है कि थोड़ा सा इसमें ना मिठास है फ्रूट्स की वजह से, जो हम लोग तड़के वाले होते हैं एकदम वो चटपटे से होते हैं, पर ये वाला भी ट्राई करना जरूरी है। बहुत ही टेस्टी है, जो इसमें फ्रूट्स का फ्लेवर आ रहा है ना, फ्रूट की मिठास आ रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है। और इनकी जो स्पेशल चटनी है उसका टेस्ट तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तो गाइस जो ना मटरा के साथ जो फ्रूट्स का फ्लेवर आ रहा है वो बहुत ही बढ़िया है। मसाला जो लगा हुआ है ना वो बहुत ही ऑसम लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको ये छोले कुलचे फ्रूट वाले जरूर ट्राई करने हैं। जो लोकेशन है ना यहाँ की वो आपको गूगल पे भी बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो हम लोग जा रहे हैं इसको एंजॉय करने के लिए, तो अभी हम लोग चलते हैं, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट भी करके बताइएगा आपने फ्रूट वाले छोले कुलचे खाए हुए हैं। बाय बाय।